नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आपने बहुत बार सुना होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? इसी सवाल को जवाब ढूंढते हुए हम पहुंचे हैं संजीव पवार जी के पास। संजीव जी जनरल मैनेजर हैं PTIC कॉरपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के, और पिछले 20 सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं उनके फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए। तो आइए जानते हैं, उनसे ही बात करते हैं। संजीव जी, हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज ये बताएं कि जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सेक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? थैंक यू विशाल जी। जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसमें जो कंपनीज हैं, वो कई बार इन्वेस्टर ने नाम सुना हुआ होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो पहली 100 कंपनीज हैं, फर्स्ट 100 कंपनीज, वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं, और उसके बाद जो 150 कंपनीज हैं, 150 कंपनी जो आती हैं, वो सारी की सारी मिड कैप कैटेगरी में फॉल करती हैं, और उसके बाद जो आगे 250 कंपनीज हैं, वो स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो यहाँ पे कई बार इन्वेस्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो लार्ज कैप में जाए या मिड कैप में जाए, स्मॉल कैप में जाए। ये जो फंड है ICICI प्रोडेंशियल, जो NFO लॉन्च किया हुआ है, फ्लैक्सी कैप फंड, यहाँ पे इसकी ब्यूटी यही है कि इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन फंड मैनेजर के पास चला जाता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एज पर द मार्केट कंडीशन, फंड मैनेजर कैन इन्वेस्ट इन द लार्ज और मिड और स्मॉल। नॉर्मली अगर एक लार्ज एंड मिड कैप में जाए या मल्टी कैप फंड में जाए, तो वहां पे भी एक रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये पर्टिकुलर पार्ट शुड बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप। बट फ्लैक्सी कैप फंड के अंदर, दैट्स वाई आई रिकमेंड इट, कि यहाँ पे फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस कैन इन्वेस्ट एनीवेयर। पिछले 5 सालों में इंडियन मार्केट में ऐसे कई टाइम आए कि जब लार्ज कैप स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कई बार मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कई बार स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसा कि हम पिछले 1.5 साल से करीब देख रहे हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति होती है, पोजीशन होती है फॉर इन्वेस्टर कि वो किस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का NFO, कि लार्ज, मिड और स्मॉल जैसे भी स्टॉक, जैसे भी कंपनीज मार्केट में परफॉर्मेंस दे रही होंगी, आपका पैसा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश से पहले योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।